प्रेज द लॉर्ड। सभी भाई बहनों को जय मसीह की। आज के इस गुरुवार की रात की प्रार्थना में आप सभी का स्वागत है। हालेलुया। प्रभु आज की इस रात की प्रार्थना में आप सभी को आशीष दे। हालेलुया। आपके मन को पूरी शांति से भरे ऐसे प्रार्थना करते हैं। आइए हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करें। पूरे दिल से हम प्रभु के पास आए हैं और प्रभु हमारी प्रार्थना को सुनेंगे और उत्तर देंगे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु ने हमें अनंत काल के जीवन के लिए बुलाया है कि प्रभु चाहते हैं हम उसके साथ अनंत काल के लिए रहे। उन सालों की हम गिनती नहीं कर सकते। वो अनंत काल का जीवन प्रभु हमें देना चाहता है, उसकी गणना हम नहीं कर सकते। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करें। प्रभु हमसे प्यार करता है और वो हमें अनंत काल का जीवन देना चाहता है। उसकी तैयारी हमें इस जहां में रहते हुए करनी है। हालेलुया। अपने आप को पवित्र करते जाना है और प्रार्थना करनी है। हालेलुया। अपने मन को, अपने विचारों को प्रभु की इच्छा अनुसार करना है। आइए हम सभी मिलकर प्रार्थना करें और प्रभु से कहें कि पिता, हमें तेरी इच्छा से चलने वाला तेरा परमेश्वर पिता विश्वासी दास और दासी बना। हालेलुया। और प्रभु आप सभी को छुएंगे और ब्लेस करेंगे। धन्यवाद धन्यवाद पिता परमेश्वर। आज की इस रात की प्रार्थना में हम सभी भाई बहन मिलकर आपके चरणों के पास प्रार्थना करते हैं। हर एक भाई हर एक बहन मेरे खुदावन जो इस समय प्रार्थना में जुड़ी हुई है वो ब्लेस हो जाए यीशु मसीह के नाम। आपका अनुग्रह इनके जिंदगी पे हो मेरे खुदावन। आपका अनुग्रह इनकी परमेश्वर पिता प्रभु परिवार पर हो ऐसी प्रार्थना करता हूँ। परमेश्वर पिता आपने हमें बचा के रखा है प्रभु, मुसीबतों से बचा के रखा है। कोई भी बीमारी कोई भी संकट हमारी जिंदगी में अब तक नहीं आने दिया और हमें सुरक्षित रखा। हम बात करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर, अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर। हालेलुया। विलंब से कोप करने वाले मेरे अति करुणा में पिता परमेश्वर धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर पिता आपने हमसे प्यार किया और हमारे लिए प्रभु आपने पिता बलिदान किया। आपने जान की भी परवाह नहीं की। आपने निष्पाप होते हुए भी उस सूली का मृत्यु मेरे खुदावंद आपने हमारे लिए सहा मेरे पिता परमेश्वर। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता आपके उस महान प्यार के लिए, आपके उस महान दया के लिए मेरे पिता परमेश्वर। सभी आपके दासों के लिए और दासियों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। आपके इन विश्वासी बेटे और बेटियों के लिए प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर। इन सभी को प्रार्थना में आराधना में वचनों में बढ़ाइए। और प्रभु जो आपके सेवक है मेरे खुदावन, जो दिन रात सेवा करते हैं मेरे खुदावन, सुसमाचार को सुनाते हैं मेरे पिता परमेश्वर, उन सभी को परमेश्वर पिता आशीषित करना। और प्रभु सच में आपने उन्हें आशीषित बनाया हुआ है। मैं धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर उनके जीवन के ऊपर अनुग्रह करना और प्रभु ने परमेश्वर पिता आपके मार्ग पर स्थिर करना। परमेश्वर पिता कोई भी शैतान की जाल उन्हें भरमाना ना पाए मेरे खुदावंद, वो आपके मार्ग में स्थिर रहे, अड़े और खड़े रहे मेरे पिता परमेश्वर। ऐसे प्रार्थना करता हूँ। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। थैंक यू जीसस। बंधनों को तोड़ने वाले पिता परमेश्वर, आजाद करने वाले मेरे जिंदा जीवित यहोवा पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूँ। आपकी स्तुति हो, आपकी बड़ाई हो, आपका धन्यवाद हो प्यारे पिता। हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। सभी चीजें हमारी जिंदगी में भरपूर रीति से देने वाले मेरे पिता परमेश्वर, हमारे मन में मेरे पिता परमेश्वर आनंद को उत्पन्न करने वाले मेरे पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूँ। सभी भाई बहन जो बीमार है इस समय मेरे खुदावन, वो घुटनों पर आकर प्रार्थना कर रहे, मांग रहे मेरे खुदावन, मैं प्रभु हीलिंग मेरे पिता परमेश्वर, आप उन्हें पिता परमेश्वर हीलिंग दीजिए मेरे खुदावन। हालेलुया हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। राजाओं के राजा आप उन्हें छू लीजिए पिता परमेश्वर, छू लीजिए मेरे पिता परमेश्वर। विनती करते हैं। हालेलुया। प्रभु दया कीजिए। हम सभी भाई बहन मिलकर प्रार्थना करते हैं एक दूसरे के लिए, एक दूसरे के परिवार के लिए पिता परमेश्वर। जो परिवार में परमेश्वर पिता मनमुटाव है और प्रभु अशांति का माहौल है, झगड़ों का माहौल है, वो जिनके परिवार बिखरे हुए मेरे खुदावन, उनके लिए प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु उनके परिवार को जोड़ मेरे पिता परमेश्वर। जो दरार मेरे खुदावन शैतान ने इनके बीच में, इनके परिवार के बीच में बनाए हुए, वो यीशु मसीह के नाम से मिट जाए। और प्रभु आप परमेश्वर पिता आपका प्यार इनकी जिंदगी में दिखाई दे, आपकी उपस्थिति इनकी जिंदगी में दिखाई दे और ये आपके बेटे और बेटियां आपकी इच्छा अनुसार अपने जीवन को जीने के लिए पिता परमेश्वर तैयार हो सके, बन सके मेरे पिता परमेश्वर। ऐसी प्रार्थना करता हूँ। प्रभु आपने हम सभी की प्रार्थनाओं को सुना और उत्तर दिया, धन्यवाद करता हूँ। आकाश और पृथ्वी को बनाने वाले मेरे पिता परमेश्वर, प्रभु हम मेरे खुदावन जिस कारण से आपने हमें बुलाया हुआ है उस परमेश्वर पिता योजना को हम अपनी जिंदगी में देख पाए और पूरा कर पाए मेरे खुदावन, ऐसे प्रार्थना करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। ऐसा ही हमें चलाइए जैसे आपकी योजना है। हम आपकी योजना से भटकना नहीं चाहते मेरे खुदावन। हमने जाने अनजाने आपके विरुद्ध पाप किया होगा मेरे पिता परमेश्वर, हम माफी मांगते हैं उनके लिए पिता परमेश्वर। आपकी योजना में हम सभी को चलाइए और प्रभु हमें पश्चाताप करने के लिए पिता आपने अंतकरण दिया, धन्यवाद करता हूँ। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से विश्वास करता हूँ परमेश्वर पिता, आपका हर बेटा हर बेटी शिक्षित हुए है और प्रभु अनंत काल के जीवन में प्रवेश करने के लिए आपने हम सभी को बुलाया है। और प्रभु आप हमें अनंत काल के जीवन के लिए तैयार कर रहे, पवित्रताई में बढ़ा रहे हैं, धन्यवाद करता हूँ। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगता हूँ,
आमेन।